हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अचीव आईए। माय नेम इज़ आकाश विजयन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया ने जो अफगानिस्तान को अभी रिसेंटली असिस्टेंस देने की बात कही है, तो उस असिस्टेंस के बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या असिस्टेंस ने इंडिया ने अफगानिस्तान को देने की बात कही है और कैसे कैसे इंडिया ने पास में भी अफगानिस्तान को असिस्टेंस दी है, किस किस रूप में दी है, ठीक है, और क्या क्या कैसे रिलेशन इंडिया और अफगानिस्तान के आज तक रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी न्यूज़ में क्यों था, आपको पता है अभी रिसेंटली अफगानिस्तान की एक 2020 कॉन्फ्रेंस हुई थी जो अभी रिसेंटली आपकी कंक्लूड हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इंडिया ने अनाउंस किया है कि इंडिया टोटल 150 प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेगा जिनकी वैल्यू आपकी मिला के हो जाएगी $80 मिलियन। ठीक है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा इंडिया ने इन्वेस्ट करने की बात कही है। ठीक है, और ये जो आपकी कॉन्फ्रेंस है इसमें आपके यूएन के रिप्रेजेंटेटिव, यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव एंड आपके बहुत सारे कंट्रीज के आपके रिप्रेजेंटेटिव भी इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में, बड़ी संख्या में आपके आपके इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। ठीक है, और आपको पता होगा एक रिसेंट डेवलपमेंट और ये कुछ दिनों पहले कि फेबररी में जब अमेरिका का और तालिबान की एक पीस डील साइन हुई थी, उसमें अमेरिका ने ये कहा था कि अमेरिका जो है धीरे धीरे अपनी ट्रूप्स को बिल्कुल ही अफगानिस्तान से पुल आउट कर लेगा, अपनी कोई भी ट्रूप वहाँ पर वो नहीं रहेगी। ठीक है, इसको आप एक इलेक्शन स्टंट भी कह सकते हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को जो है इस बार के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अपनी अपने सेकंड टर्म सिक्योर करना था, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने इसको काफ़ी ज़्यादा स्पीडी कर दिया था, काफ़ी ज़्यादा इस प्रोसेस को तेज किया था। ठीक है, तो क्या है कि अब टोटल जनवरी 2021 तक, मतलब जब तक डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंसी से हट जाएंगे, जब तक ये बात कही गई है कि अफगानिस्तान में सिर्फ 2500 ट्रूप्स ही रह जाएंगे जो कि अमेरिका के होंगे। ठीक है, तो हम आगे एक बार इस डील के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमें इस डील के भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो यह सबसे पहले आर्टिकल आपका ORF का, जिसमें आपको बताया, इसमें आपका अफगानिस्तान 2020 कॉन्फ्रेंस के बारे में ही बताया गया है। ठीक है, इसमें बहुत सारे देशों ने अपने अपने कमिटमेंट्स बताए। ठीक है, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही है कि हम बेसिकली इंडिया के कमिटमेंट्स के बारे में बात करें। ओके, तो आपके की पॉइंट्स क्या है, जो इंडिया अभी करंट जो इंडिया ने अभी करंटली जो हाल ही में असिस्टेंस देने की बात कही है, पहले हम उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, इंडिया विल लॉन्च फेज 4 ऑफ द हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। जो जितने भी आपके कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जितने भी इंडिया ने आज तक अफगानिस्तान में ओपन करे हैं, इंडिया ने उनमें इन्वेस्टमेंट किया है, उसका फेज 4 जो है इंडिया लॉन्च करने की बात कह रहा है। ठीक है, जिसमें आपके 150 प्रोजेक्ट्स होंगे जिसकी वैल्यू होगी आपकी टोटल $80 मिलियन की। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में ही बताया था। ठीक है, इट हैज साइंड एन एग्रीमेंट फॉर बिल्डिंग द शाहतूत डैम। ठीक है, आपको पता होगा कि इंडिया ने पहले भी एक डैम कंस्ट्रक्ट करवाया है अफगानिस्तान में, जिसका नाम सलमा डैम था, आपको याद हो तो। ठीक है, SALMA, सलमा नाम, सलमा डैम उस डैम का नाम था। ठीक है, तो अब क्या है, एक नया डैम बनाने की बात इंडिया ने कही है, जिसमें जिसका आपका नाम है शाहतूत डैम। ठीक है, और ये किस वजह से बना रहे, ताकि जो है सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो कम से कम 2 मिलियन लोग जो आपके काबुल सिटी के हैं, मतलब जो आपके 20 लाख लोग हैं, उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक्सेसिबल उन लोगों के लिए हो जाए। ठीक है, इट बिल्ड्स ऑन द 202 किलोमीटर पुल एक खुमरी ट्रांसमिशन लाइन 2009। ठीक है, और एक इंडिया ने कहा है कि एक आपकी पुल एक खुमरी ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, उस पर भी इंडिया कुछ जो है कुछ आपके इन्वेस्टमेंट और यहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है इंडिया उस पर करने वाली है। ठीक है, आपको पता होगा ट्रांसमिशन लाइन जो है काबुल सिटी को भी काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। और ये आपको जो मैंने आपको बताया था ना सलमा डैम, ये आपका वो सलमा डैम है। ठीक है, दिस इज योर सलमा डैम। ठीक है, काफ़ी देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम। ठीक है, इसको सलमा डैम, इसका नाम सलमा डैम है। अब हम पहले की असिस्टेंस के बारे में बात करते हैं कि पहले जो है इंडिया ने अफगानिस्तान को किस किस रूप में असिस्टेंस दे रखी है। ठीक है, तो इंडिया ने जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अपने अफगानिस्तान में चलाए हैं, आपके 5 स्तंभों पर सीधे हैं। ठीक है, 5 पिलर्स। ठीक है, पहला आपका लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जैसे कि मैं आपको बताया। ठीक है, लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फॉर जैसे कि आपका हो गया वो, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़े देर, आपको पिक दिखाऊंगा। ठीक है, एक आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे प्रोग्राम से कुछ नया चला रखे, आपकी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, आपको आपने सुना होगा जब पैंडेमिक नया नया आया था तो उस वक्त भी इंडिया ने जो है एक ह्यूमैनिटेरियन एड अफगानिस्तान को दिया था। देन हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एनहेंसिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट थ्रू एयर एंड लैंड कनेक्टिविटी। आपको पता होगा कि अफगानिस्तान के और इंडिया के जो ट्रेड रिलेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा
हमें एक सर्ज में देखने को मिलते हैं, काफी ज्यादा स्पाइक हमें उनमें देखने को मिलता है। तो ये काफी अच्छी बात है दोनों देशों के बायलेटरल रिलेशंस के लिए। ठीक है, तो एक बार आप, मैं आपको पूरे अफगानिस्तान के पूरे मैप पे दिखाता हूँ कि आप अगर मैप को ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि इंडिया ने अफगानिस्तान के ऑलमोस्ट हर कोने में इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, तो अगर हम नंबर वाइज देखेंगे तो नंबर वन देख लीजिए आप, एक मतलब 2,218 किलोमीटर की आपकी एक रोड प्रोजेक्ट जो है इंडिया ने बनाने की बात की। ठीक है, ये आपका हो गया एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो कि आपका एक आपके वन ऑफ द 5 पिलर्स था। ठीक है, सेकंड आपका 220 किलोवाट DC ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम फूले कोमरी टू काबुल। ठीक है, ये वो आपका हो गया। एंड सलमा पावर प्रोजेक्ट हेरात प्रोविंस में आपका, एंड अफगान पार्लियामेंट, आपको बताया कि अफगान पार्लियामेंट जो है आपका, उसको इंडिया की सिटीजन से बनाया जा रहा है। ठीक है, तो मतलब ये भी इतनी बड़ी बात है कि किसी देश के आप एक डेमोक्रेटिक जो आपके सिंबल है उसको बनाने में इंडिया काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशन हैं। ठीक है, ये काफ़ी यूनिवर्सिटी है, इसको भी इंडिया ने जो है वहाँ पे बनवाया था। इंडिया ने इसमें काफ़ी ज़्यादा असिस्टेंस अफगानिस्तान को प्रोवाइड किया था। ये आपका कांधार का आपका ये स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, इसमें भी इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, काफ़ी ज़्यादा इसमें अफगानिस्तान को हेल्प किया था। और आपको पता होगा कि जो आपकी अफगानिस्तान की टीम है क्रिकेट टीम, उसका जो होम ग्राउंड था वो कुछ दिनों के लिए इंडिया में ही एक स्टेडियम है, आपका मेरे को नाम नहीं याद आ रहा कौन सी जगह का था, पर इंडिया ने ही अपने स्टेडियम को अफगानिस्तान का होम स्टेडियम का दर्जा दिया था, ताकि अपने इंटरनेशनल मैच जो भी हैं उसके वो स्टेडियम में खेल सके, उसको अपना होम ग्राउंड बना के। ठीक है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा जैसे जो है, सिर्फ ये इकोनॉमिक या पॉलिटिकल टाइप से ही नहीं है, बल्कि आपके जो आपके कल्चरल स्पोर्ट्स टाइप हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हमें दोनों देशों के बीच में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब हर फील्ड में इंडिया ने असिस्टेंस जो है अफगानिस्तान को प्रोवाइड कर रखी है। ठीक है, आपको पता होगा कि जब 2001 में आपका अफगानिस्तान में जो आपका तालिबान का रिजाइम था वो ख़त्म हो चुका था, अब अमेरिका ने उसको ख़त्म कर दिया था। तो जब से जो है इंडिया ने $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है अफगानिस्तान में। ठीक है, इसमें आपको बेसिकली रीबिल्डिंग और रिकंस्ट्रक्शन का ही काम जो है अफगानिस्तान में किया गया था। ठीक है, और तालिबान ये पता 1996 से 2001 तक थे, तो उस टाइम पे जो है इंडिया ने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे अनसर्टनिटीज थी, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों की प्रोडक्टिविटी, उन चीज़ों का फ़ायदा हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि तालिबान आपको पता है काफ़ी ज़्यादा एक वॉयलेंट रिजाइम था। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है इंडिया ने उस टाइम पे अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं किया। ठीक है, और आपको पता है चाबहार पोर्ट जो ईरान में इंडिया ने डेवलप किया था, अब वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा ईरान को मदद कर उसको अफगानिस्तान को बना मदद करता है। क्यों? क्योंकि अब आपको पता है कि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है, तो उसको ट्रेड अगर करना था इंडिया से, मान लीजिए आप अगर इंडिया से उसको ट्रेड करना था, तो कहीं ना कहीं उसको पाकिस्तान पर डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के और अफगानिस्तान के बीच में कौन आता है? पाकिस्तान आता है। ठीक है, तो पाकिस्तान पर उसको डिपेंड रहना पड़ता है। पाकिस्तान आपको पता है काफ़ी ज़्यादा जो है लिमिटेड हो जाता है जब बात इंडिया पे आती है। ठीक है, तो इस वजह से जो है चाबहार पोर्ट जो है वो एक ऑल्टरनेटिव कनेक्टिविटी ऑप्शन है जो अफगानिस्तान के पास अवेलेबल है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के अफगानिस्तान के रिलेशन अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया की परमिशन से अफगानिस्तान चाबहार पोर्ट के ऑप्शन को भी एक्सप्लोर कर सकता है। ठीक है, और वो लैंड लॉक कंट्री वाली जो मैंने आपको बात बताई थी, ठीक है, ये आपकी यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, और आपको पैंडेमिक सपोर्ट मतलब कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो मैंने आपको बताई थी, ह्यूमैनिटेरियन एड जो आपको मैंने बताया था। ठीक है, तो आपके ये आपका पैंडेमिक के वक्त स्टार्टिंग में जब ये सब हुआ था, तो उस वक्त भी सब कुछ आपका अप्रूव हो चुका था, जब इंडिया ने मेडिसिन सप्लाईज वहाँ पे भेजी कम से कम 20 टन की, और आपके मेडिकल सप्लाईज भेजी, और आपके 75,000 टन तक के आपका वीट, आपका गेहूं भेज वहाँ पर भेजा। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं आप कि इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा ओपन है अफगानिस्तान के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब ये चाबहार पोर्ट आप देख लीजिए, ये आपका चाबहार पोर्ट है। ठीक है, ये आपका अफगानिस्तान, ठीक है, दिस इज अफगानिस्तान, ये आपको बीच में पाकिस्तान आ जाता है, यहाँ पे आपका इंडिया है। तो कहीं ना कहीं देख लीजिए, जब इसको इंडिया को डील करना था पाकिस्तान के, ये पाकिस्तान के थ्रू अगर इसको आना पड़ता था इंडिया से डील करने के लिए, इंडिया से ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो पाकिस्तान आपको पता है कि वो तो आराम से होने कुछ देगा नहीं। ठीक है, तो इस वजह से जो है अब जो इजीली जो है अफगानिस्तान अब इंडिया से डील ट्रेड कर सकता है। कैसे? क्योंकि आपका चाबहार पोर्ट यहाँ पर आपका है। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली वो अपने पोर्ट से यहाँ से कांडला के पोर्ट की तरफ या मुंबई के पोर्ट की तरफ जो है आराम से अपने कंसाइनमेंट को भेज सकता है, रिसीव कर सकता है। ठीक
ठीक है, और कहीं ना कहीं इस पोर्ट का इस्तेमाल करते हुए वो अपना इधर की तरफ के जो आपके ट्रेडिंग ऑप्शन है उसको भी वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो इंडिया ने ईरान के लिए डेवलप किया था, ईरान के साथ अपनी बायलैटरल रिलेशनशिप को डेवलप करने के डेवलप आगे बढ़ाने के लिए डेवलप किया था ये पोर्ट को, तो वो जो डेवलपमेंट है वो अब हमें अफगानिस्तान के साथ भी देखने को मिल सकता है इसी वाले पोर्ट की वजह से। ठीक है, तो अब शिफ्ट क्या हुआ इंडिया के परस्पेक्टिव में, आपको पता है जैसे कि हमको बताया था कि 1996 से 2001 के बीच में जब तालिबान का रिजाइम वहाँ पर था, तो इंडिया ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के अपने प्लान्स को एक बार भी रिकंसिडर नहीं किया कि इन्वेस्टमेंट हम नहीं करेंगे। इस बात को उन्होंने एक बार भी फिर से रिकंसिडर नहीं किया, उन्होंने सोच लिया कि हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि अब आपको पता है कि जब US और तालिबान के बीच में एक पीस डील साइन हो चुकी है, तो मतलब ऑलमोस्ट ये कन्फर्म हो चुका है कि तालिबान का जो जो रिजाइम है वहाँ की गवर्नेंस में, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करने के लिए ज़रूर आएगा। ठीक है, लेकिन इस बार जो है इंडिया ने अपने पहले वाले स्टांस को चेंज करते हुए इस बार इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो अफगानिस्तान में ज़रूर डेफिनेटली जो है इन्वेस्टमेंट करेगा और वहाँ को अफगानिस्तान को असिस्टेंस देगा। ठीक है, तो मतलब ये काफ़ी बड़ी एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है दोनों देशों के रिलेशन के बीच में। ठीक है, तालिबान आपको पता है कि डेफिनेटली आएगा, डोमिनेंट रोल जरूर प्ले करेगा, क्योंकि तालिबान के साथ इतनी नेगोशिएशन में कुछ लगता है कि अफगान गवर्नमेंट कर पाएगी। ठीक है, और स्पेशली जब आपके US का ऑलमोस्ट विड्रॉल हो जाएगा वहाँ से। ठीक है, इंडिया ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द कमेंसमेंट सेरेमनी ऑफ द इंटर अफगान टॉक्स इन दोहा इन September 2020। आपको पता है सेप्टेम्बर में जो आपकी बातचीत है अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के बीच में और आपके तालिबान के बीच में आपकी बातचीत स्टार्ट हुई दोहा में, दोहा आपको पता है। ठीक है, दोहा में आपकी बातचीत स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो जब से जब ये बातचीत स्टार्ट हुई थी तो इंडिया ने इसमें ओपनिंग उसकी जो आपकी स्टार्टिंग जब हुई थी ओपनिंग सेरेमनी उसमें भी इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो मतलब इंडिया यह दर्शाता है कि जो इंडिया है जो है इंडिया का जो स्टांस है वो रियलिटी के साथ शिफ्टिंग स्टैंड के साथ जो है इंडिया का जो स्टांस है वो भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब ये रिडक्शन ऑफ ट्रूप्स आपको पता होगा USA क्यों कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप जो है इलेक्शन जीतना चाहते थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं जीत पाएंगे इस बार, और मुझे 99.9% कन्फर्म है कि वो चेंज हो जाएंगे और उनकी जगह अब जो बाइडन जो है प्रेजिडेंट बनेंगे अमेरिका के। तो कहीं ना कहीं उनका इलेक्शन स्टैंड काम तो नहीं आया, लेकिन ये तो कन्फर्म है कि हाँ वो वापस आए, अपनी जो ट्रूप है वहाँ से वो वापस आई जाएंगी। ठीक है, February 2020 में साइन हुआ था दोनों देशों ये तालिबान और अमेरिका के बीच में। ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा था कि US जो है अपनी सारी ट्रूप्स को विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, अफगानिस्तान की सोइल से वो अपनी एक भी ट्रूप को वहाँ पर नहीं छोड़ेगा, और उसके बदले में उन्होंने ये भी कहा था कि वो जो जितने भी तालिबान के आपके फाइटर्स, जितने भी तालिबान के आपके प्रिजनर्स थे जिनको अफगान गवर्नमेंट ने जेल में बंद कर रखा था उनको भी वो सारे रिलीज कर देंगे। ठीक है, कोई भी तालिबान का फाइटर जेल में नहीं रहेगा। ठीक है, और इसके बदले में तालिबान ने अमेरिका से क्या कहा, क्योंकि पता है अमेरिका ये तो है नहीं कि अमेरिका सब कुछ दे देगा और ये नहीं कहेगा कि आप मुझे कुछ तो बदले में वो भी तो कुछ मांगेगा। तो अफगानिस्तान सॉरी अफगानिस्तान नहीं, जो अमेरिका है उसने तालिबान से ये कहा कि आप हमें ये एश्योरेंस दो कि आप अपनी मिट्टी पे किसी भी फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने का मौका नहीं देंगे। ठीक है, तालिबान ने US को एश्योर किया कि हाँ बिल्कुल हम अलकायदा या फिर किसी और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसकी ISIS या किसी और को हम अपनी सॉइल पे ऑपरेट करने का मौका नहीं देंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो आपके वो आपके जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो आपके हुए थे, जो आपके फ्लाइट से जो हमले किए गए थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, अलकायदा ने वो करवाए थे, अलकायदा ओसामा बिन लादेन। ठीक है, वो जो ऑपरेशन जो हुआ था ना वो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की सोइल से ही उसको अपडेट किया गया था, सारे इंस्ट्रक्शन आपके सारे कमांड सारे उसकी मॉनिटरिंग जो है वो अफगानिस्तान की सोइल से की गई थी, जिसकी वजह से जो अमेरिका का ध्यान था वो स्पेशली गया आपका अफगानिस्तान की तरफ, जिसके बाद वहां से तालिबान का हमें एग्जिट देखने को मिला था। ठीक है, तो मतलब जब तक अमेरिका पे खुद पे कुछ नहीं बनता ना, जब तक अमेरिका ध्यान देता ही नहीं किसी चीज़ पे, अगर उस वक्त वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमले नहीं हुए होते तो कहीं ना कहीं आज भी ओसामा बिन लादेन शायद जिंदा होता। ठीक है, तो अब आपका ये द हिंदू का आर्टिकल था जब ये पीस डील आपको साइन हुई थी, US तालिबान साइन पीस डील, अमेरिकन ट्रूप्स टू लीव अफगानिस्तान इन 14, मतलब 14 महीनों में जो अमेरिका की जितनी भी ट्रूप्स हैं वो सारी अफगानिस्तान को लीव कर देंगी, आपका February 2020 का आर्टिकल था। ठीक है, विद द USA लीविंग एट सच अ क्रूशियल पॉइंट, क्योंकि पता है काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि तालिबान जब अमेरिका की प्रेजेंस में इतने हमले कर रहा था, इतने उसने वॉलेंस एक्ट अपने छोड़े नहीं थे बिल्कुल भी, तो जब अमेरिका की ट्रूप्स वहाँ से निकल जाएंगी तो आप देख सकते हैं कि और भी ज्यादा सब कुछ ये सब कुछ बढ़ जाएगा, अगर सब कुछ तालिबान के अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो। ठीक है ना, तो अब ऐसे पॉइंट पर अगर US की फोर्सेस लीव कर रही हैं तो कहीं ना कहीं जो आपके
अफगानिस्तान की फोर्सेस जो इतनी पावरफुल नहीं है, कहीं ना कहीं उनके मोराल पे थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। और जो उनके पास एयर पावर थी, जो जो एक एक्स्ट्रा सपोर्ट जो उनको यूएस की ट्रूप से मिलता था, वो भी उनके पास से हटा जाएगा। तो थोड़ी सी जो है वीक, थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा वीक जो है यहाँ पे आपकी अफगानिस्तान की फोर्सेज अब हो जाएंगी। ठीक है, तो हाउएवर दिस डिसीजन विल लीव अफगानिस्तान विद एन अनसर्टेन फ्यूचर। आपको बताया अनसर्टेन फ्यूचर तो है ही, हमें नहीं पता कि कैसे पावर शेयरिंग के बीच पे एक एग्रीमेंट पे ये तालिबान और आपकी अफगान गवर्नमेंट पहुंचेगी, हमें नहीं पता। और जहाँ तक है कि तालिबान जो है वो कहीं ना कहीं एक अपर हैंड लेने की कोशिश करेगा, और उसको अगर वो अपर हैंड नहीं दिया गया तो तालिबान को बहुत अच्छे से वॉयलेंस का इस्तेमाल करना आता है, और जरूर वॉयलेंस का इस्तेमाल करेगा। और एक अच्छा, बहुत अच्छा आर्टिकल आपका हिंदा हिंदू में आता है वो संडे के एडिशन में, कि तालिबान की जो मेंटेलिटी है वो बहुत शायद बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं तालिबान की मेंटेलिटी वही रहेगी, तो कहीं ना कहीं सारे देशों को मिलकर फिर से एक बार सोचना चाहिए कि कैसे कैसे जो है तालिबान को एक मतलब एक नॉन वायलेंट तरीके से डील करने के लिए मनाया जाए, और कैसे कैसे जो पावर शेयरिंग का जो एक एग्रीमेंट जो अफगान गवर्नमेंट में भी देखने को मिलेगा, अफगानिस्तान में जो भी देखने को मिलेगा, कहीं ना कैसे ना कैसे करके उसको जो है एक अच्छे से अच्छे कंक्लूसिव एक मतलब कंस्ट्रक्टिव एक एग्रीमेंट जो है तैयार किया जाए। ठीक है, तालिबान हुवर ऑस्टेड फ्रॉम पावर इन 2001 आफ्टर द यूएसए इन्वेजन हैव सिंस बीन फाइटिंग बोथ फॉरेन ग्रुप्स। आपको पता है कि अब आपका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमले के बाद आपकी अमेरिका ने अपनी ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया अफगानिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की जो आपकी फोर्सेस थी वो तो वहाँ पे थी पहले से, तो जिसकी वजह से जो तालिबान को दो लोगों से फाइट करनी पड़ी, एक आपकी फॉरन ट्रूप्स जो कि बेसिकली अमेरिका से थी, और दूसरी थी आपकी अफगानिस्तान गवर्नमेंट की ट्रूप्स। ठीक है, और अब क्या है कि अब ऑलमोस्ट हाफ कंट्री पे कंट्रोल है तालिबान का। ठीक है, ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन आप अखबार में देखते होंगे, न्यूज़ में आप सुनते होंगे कि तालिबान ने आज वहाँ पे अटैक कर दिया अफगानिस्तान में, आज वहाँ पे ब्लास्ट कर दिया, आज वहाँ पे फायरिंग कर दी। ठीक है, तो मतलब जब से ये डील साइन हुई है ना फेबर से, जब से लेके आज तक कम से कम 13,000 अटैक ऐसे कंडक्ट कर दिए हैं तालिबान ऑलरेडी अफगानिस्तान में। ठीक है, जब मतलब एक अश्योरेंस आपको मिल चुकी है कि हाँ आपसे बातचीत की जाएगी, आपसे आपके साथ नेगोशिएशन की जाएगी, फिर भी आप 13,000 अटैक कर रहे हैं, तो क्या सोच रहे हैं पता नहीं, ये तो पता ही नहीं। ठीक है, और कैसे कैसे मतलब पावर में आने के बाद क्या करेंगे वो तो मतलब अब तो सब भगवान भरोसे ही है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ यूएन असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान। ठीक है, तो मतलब अक्टूबर 2020 में रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि कम से कम 6,000 अफगानिस्तान के जो सिविलियन है, जो आपके मामूली जो आपके आम लोग हैं, वो जो है अब मर पिछले 9 महीनों में उनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, जिसमें से 45% ऑफ डेथ है ना, मतलब ऑलमोस्ट 50%, 5% की कमी है, जो कि ऑलमोस्ट 50% मैनी 45% टू बी प्रिसाइज, वो आपकी डेथ हुई है तालिबान की वजह से। मतलब तालिबान उस पर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, उन लोगों की डेथ का जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तालिबान की है। ठीक है, तो मतलब देख लीजिए मतलब कैसी एक अनइवन सी सिचुएशन क्रिएट हो गई तालिबान उसमें अफगानिस्तान में, जिसमें अब इंडिया इधर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इंडिया भी एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्टेक होल्डर जो है, इंडिया के चेक भी जो है अफगानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी डिसीजन तालिबान और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के बीच में लिया जाएगा, जो भी पावर शेयरिंग पैक्ट साइन किया जाएगा, कहीं ना कहीं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हम इंडिया की इन्वेस्टमेंट पर देख सकते हैं, क्योंकि इंडिया के चेक काफ़ी ज़्यादा अफगानिस्तान में बढ़ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा जो इंडिया के इन्वेस्टमेंट है वो अफगानिस्तान में बढ़ चुका है। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड अब आगे क्या। ठीक है, द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ वायलेंस इन अफगानिस्तान इज अ प्रेसिंग कंसर्न, हाउएवर इन स्पाइट ऑफ द चैलेंजेस बोथ साइड रिमेन एट द नेगोशिएटिंग टेबल। आपको पता है कि बेशक वायलेंस बढ़ गई, ठीक है, बहुत सारी मुश्किलें भी है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट और तालिबान अभी भी टेबल पे हैं, अभी भी वो नेगोशिएशन, अभी भी उनकी बातचीत जारी है। ठीक है, तो शायद ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं कि कोई एक अच्छा सा कंस्ट्रक्टिव सा एक ब्रेक थ्रू पर वो लोग पहुंचे, एक अच्छे से एग्रीमेंट पे वो पहुंचे, इसमें जो है डेमोक्रेसी के साथ और अफगानिस्तान के लोगों के साथ साथ न्याय किया जाए। ठीक है, और फाइनली जो अफगानिस्तान में जो इतनी लंबी वॉर चलती हुई आ रही है उसका एंड प्लीज कृपया करके हो जाए। ठीक है, इंडिया कॉल्स फॉर एन इमीडिएट एंड कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर। इंडिया ने, आपको पता है कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट दिए कि हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वहाँ पे सीज फायर जो है मेनटेन रहे। ठीक है, और आपका पीस प्रोसेस जल्दी से जल्दी चले, और जो इतने हार्ड जो आपके गेन्स जो अफगानिस्तान ने गेन अचीव किए थे, कहीं ना कहीं उसको अफगानिस्तान बिल्कुल भी ना खोए। ठीक है, इंडिया लुक्स टू वॉट टू वर्किंग हैंड इन हैंड विद द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। जो इंडिया की जो अप्रोच है वो आप साफ साफ देख सकते हैं, इंडिया क्या चाहता है कि वो अफगानिस्तान के साथ हाथों में हाथ डाल के चले, उसको आगे डेवलपमेंट की तरफ लेके जाए,
है, और पूरी दुनिया के साथ मिलकर वो यही चाहता है कि जो अफगानिस्तान है वो एक पीसफुल, एक शांतिपूर्ण देश बने, वायलेंस का वहाँ पे बिल्कुल खात्मा हो, एक डेमोक्रेटिक, एक लोकतंत्र वो बने जहाँ पे किसी भी तरीके के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल भी रूल ना करे, ठीक है। और एक मतलब एक यूनाइटेड अफगानिस्तान होना चाहिए, ये नहीं कि बांटा हुआ है, आधा अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने अपने अंदर रख लिया, आधा तालिबान ने अपने अंदर रख लिया, तो अपने तरीके से चला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब यूनाइटेड चाहिए, ठीक है, ताकि लोगों के साथ न्याय हो सके, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। इसी नोट पर आपको विदा लेता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड सब्सक्राइब अचीव आईएएस एंड जॉइन अस ऑन टेलीग्राम।